इसको बोलते हैं जीटीपी। तो जीटीपी लगाने का सही तरीका, हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू मेरे चैनल सी टेक फर्नीचर। सो गाइज, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं बिल्कुल हमारे नए कारपेंटर भाई हैं उनके लिए वीडियो है। जो पुराने कारपेंटर भाई हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है ये सब चीज़ करना। आज बताएंगे आपको वीडियो में कि किचन में जो भी बर्तन सफाई करने के बाद जो रखी जाती है उसमें कुछ ना कुछ पानियाँ रह जाती है, जो पानी नीचे ना टपके उसके लिए इस तरह का एक व्यवस्था किया जाता है, इसको बोलते हैं जीटीपी। तो जीटीपी लगाने का सही तरीका क्या है? कभी भी आप जब कैबिनेट बनाएं तो कैबिनेट का जो डेप्थ है यहाँ से लेकर वहाँ तक वो कम से कम 30 सेंटीमीटर का रखें, यानी कि 12.5 इंची का, तभी ये फिटिंग आसानी से कर सकते हैं। और कम से कम यहाँ से लेकर के इसका जो डीप है कम से कम 2 इंच तक रखें, 2.25 इंच रखेंगे तो और बेटर होगा। इसका फार्मूला ये है कि जब भी आप लगाए, जिसमें ट्रे लगाते हैं, अभी ट्रे अभी है नहीं एक्चुअली, तो जब भी ट्रे लगाए इसके अंदर तो ट्रे लगाने के बाद में इसमें बिल्कुल फंसे ना, कम से कम 2 सूत का गैप है, आसानी से ट्रे अंदर चला जाए बाहर आ जाए और वो ट्रे ये जाली में ना फंसे यहाँ पर। तो यही फार्मूला है। तो ये हमारी प्लेटें की है और इसके जो ऊपर रखी हुई है वो है ग्लास के लिए। तो ग्लास के लिए जब भी लगाएं तो कम से कम यहाँ से ले यहाँ तक कम से कम 5 इंच ग्लास रखें, यहाँ से और यहाँ तक का। फिर भी आप देख लेंगे आपके ग्लास की साइज़ कितनी बड़ी है, उससे कम से कम 0.5 इंच 1 इंच क्लियर रखें, ताकि जब भी आप ग्लास रखें और ग्लास को बाहर निकालें तो आपके ग्लास फंसे ना अंदर। बस यही फार्मूला होता है। और जब भी इसका जो चौड़ाई है अंदर अंदर लंबाई वो कम से कम 22 इंची 1 सूत होनी चाहिए, सेंटीमीटर में 60 सेंटीमीटर होता है, ये छोटी साइज है। इससे एक बड़ी साइज आती है वो आती है 90 सेंटीमीटर का। तो इसके हिसाब से आप जीटीपी का बॉक्स बना सकते हैं और जीटीपी फिट्स कर सकते हैं। देख सकते हैं आप नियर से। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इस तरह से हमारे चैनल बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।